अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम रेडियोलॉजी ऑफ ट्रॉमा को स्टडी करेंगे थ्रू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीटी स्कैन्स एंड एक्सरेज। सबसे पहले हम जो है वो हेड की ट्रॉमा को देखेंगे। तो हेड की ट्रॉमा के अंदर बेसिकली जो हम कवर करेंगे वो होगा मेनी टाइप्स ऑफ हीमाटोमास जो कि स्कल के अंदर होते हैं, ब्रेन के अंदर होते हैं, एंड नीमोसेफलिस को हम देखेंगे एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर्स को। सो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्राहली सदरी वयस्सिरली अम्री वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। आई वॉन्ट टू आस्क वन थिंग कि वट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मुस्लिम एंड मोमिन। नाउ लेट मी टेल यू, जो मुसलमान होता है वो तमाम 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम को अच्छे से अदा करता है। लाइक वो ज़बान से शहादत अदा करता है, वो नमाज़ पढ़ता है, वो रोज़ा रखता है, वो ज़कात देता है और वो हज करता है। ये सारी चीज़ें जो वो करता है, ये सारी चीज़ें फिज़िकली होती हैं जो कि एक्सटर्नली इंसान करता है और दूसरे इंसान इन चीज़ों को देख सकते हैं। बट जो ईमान होता है जो कि मोमिन के अंदर होता है, वो ऐसी चीज़ होती है, वो इंटरनल होती है। और यही चीज़ है जो कि मेन डिफरेंस होता है बिटवीन मुस्लिम एंड मोमिन, कि जो मोमिन होता है उसके अंदर ईमान मौजूद होता है, लेकिन जो मुसलमान होता है उसके अंदर ईमान मौजूद नहीं होता। वो सिर्फ़ इस्लाम लेके आया होता है और वो सिर्फ मुसलमान हुआ होता है। तो फर्स्ट स्टेप इज़ द कि पहले शहादत कबूल करें एंड पिलर्स ऑफ इस्लाम को हम पूरा करें, मुसलमान बने। एंड द सेकेंड स्टेप इज़ कि हम ईमान को अपने अंदर डेवलप करें और मोमिन की कैटेगरी में आएं। जो ईमान वाला होता है, जो मोमिन होता है, वो इन 6 पैरामीटर्स के ऊपर उतरता है। सबसे पहली चीज़ कि वो अल्लाह ताला पे कामिल यकीन रखते हैं, अल्लाह ताला की सिफात पर, अल्लाह ताला के नामों पर, अल्लाह ताला के काम पर, हर चीज़ पर ईमान रखता है। वो अल्लाह ताला के फरिश्तों पे ईमान रखता है कि उसको पूरा ईमान होता है कि किरामन कातिबीन लिख रहे हैं जो कि मैं कर रहा हूँ, वो मुझे देख रहे हैं, अल्लाह ताला मुझे देख रहे हैं। डिफरेंट फरिश्तों के ऊपर ईमान रखता है कि जन्नत के फरिश्ते होते हैं, दोजख के फरिश्ते होते हैं, रखवाली वाले एंड हमारे रखवाली वाले फरिश्ते होते हैं, वो सब चीज़ों पर, मौत के फरिश्ते पर, हर चीज़ पर ईमान रखता है। मैसेंजर्स पर, रसूलों के ऊपर ईमान रखता है, बुक्स पर, जो भी आसमानी किताब है उन सब के ऊपर ईमान लाते हैं। क़यामत के दिन पर ईमान लाते हैं कि एक दिन आएगा जब जो है वो जजमेंट का दिन होगा और मुझे अल्लाह ताला के आगे जवाबदेही करनी होगी जो भी मैं कर रहा हूँ इस दुनिया में। एंड लास्ट कदर, यानी कि अपनी तकदीर पे ईमान रखते हैं कि जो भी मेरी तकदीर में लिखा गया है वो अल्लाह ताला ने लिखा है, वो मेरे लिए बेस्ट है। और हदीस का मफहूम है कि इंसान जो है वो अपनी जो तकदीर है उसको बदल सकता है, चेंज करता है थ्रू दुआ। दुआ ही सिर्फ ऐसी चीज़ है जो कि तकदीर को चेंज कर देती है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, देहाती लोग कहते हैं कि हम ईमान लाए हैं, आप फरमा दीजिए तुम ईमान नहीं लाए, हाँ ये कहो कि हम इस्लाम लाए हैं और अभी ईमान तुम्हारे दिलों में दाखिल भी नहीं हुआ। यानी द फर्स्ट स्टेप के हो सकता है कि एक इंसान ज़बान से तो कलमा पढ़ ले, शहादत पढ़ ले, लेकिन अभी ईमान उसके दिल के अंदर दाखिल नहीं हुआ हो, तो इस चीज़ का यहाँ पर ज़िक्र हो रहा है कि आपने ज़बान से इस्लाम तो कबूल कर लिया बट ईमान अभी आपके अंदर दाखिल नहीं हुआ। तो जब ईमान दाखिल हो जाएगा तो आप मोमिन की कैटेगरी में आ जाओगे। और क्या रिवॉर्ड है हमारा कि अगर हम मुसलमान से मोमिन बन जाएं, तो मोमिनों के लिए अल्लाह ताला फरमाते हैं जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किए, यकीनन उनके लिए जन्नत के बाग हैं जिनके नीचे नहरें बहती होंगी और ये एक बड़ी कामयाबी है। तो इस दुनिया में जिसलिए हम आए हैं जन्नत कमाने के लिए, तो वो हमें तब मिलेगी जब जो है वो हम ईमान लाएं, मुसलमान बने और मोमिन बने। तो अल्लाह ताला उन्हीं लोगों से कलाम कर रहे हैं, इन्नल्लज़ीना आमनु, वो लोग जो कि ईमान लाए हैं उनके लिए इतना बड़ा रिवॉर्ड है जन्नत का। सो हम सबको चाहिए कि हम अपने ईमान को मजबूत करें, दिन ब दिन ईमान के ऊपर काम करें कि वो हमारा स्ट्रॉन्ग हो। सो स्टार्टिंग विद द टॉपिक के लेयर्स ऑफ स्कैल्प। हीमाटोमा को स्टडी करने से पहले हमें जो है वो पता होना चाहिए कि स्कल की और जो हमारे ब्रेन है उसकी क्या क्या लेयरिंग्स हैं, ताकि जब हम हीमाटोमा को स्टडी करें तो वो हमारे लिए स्टडी करना आसान हो जाए। तो सबसे आउटर जो हमारी लेयर होती है वो होती है स्किन। स्किन उसके बाद होती है स्कल, जिसको हम क्रेनियम भी कहते हैं। देन आती है डिफरेंट लेयर्स आती हैं, 3 लेयर्स होती है ब्रेन की, ड्यूरा मैटर जो सबसे बाहर होती है, देन एरेक्नॉइड एंड देन पाया मैटर या पिया मैटर। सो अब अगर कोई हीमाटोमा, यानी कि हीमाटोमा इज सिंपली द कलेक्शन ऑफ पुलिंग ऑफ ब्लड आउटसाइड द ब्लड वेसल, तो अगर हीमाटोमा ब्लड जो है वो आया है स्किन एंड स्कल के दरमियान, तो हम उसको स्कैल्प हीमाटोमा कहते हैं।
अगर जो है वो ब्लड की पूलिंग हुई है बिटवीन स्कल एंड ड्यूरा मैटर तो हम उसको कहते हैं एपीड्यूरल हीमाटोमा, और अगर जो है वो ड्यूरा मैटर एंड एरेक्नॉइड मैटर के दरम्यान में, ड्यूरा एंड एरेक्नॉइड मैटर के दरम्यान में पूलिंग हुई है तो हम इसको जो है वो सब ड्यूरल कहते हैं, और अगर जो है वो एरेक्नॉइड और पाया मैटर के दरम्यान में इस ब्लैक स्पेस में पूलिंग होती है देन इट इज़ नोन एज सब एरेक्नॉइड हीमाटोमा। ये जो सारे हीमाटोमा है ये हैं इंट्राक्रेनियम, यानी कि ये ब्रेन के अंदर है। इंट्राक्रेनियम क्या होगा, क्रेनियम इज़ द स्कल को हम कहते हैं, क्रेनियम के अंदर जो होते हैं उनको कहते हैं इंट्राक्रेनियम, और एक्स्ट्रा क्रेनियम क्या होगा, क्रेनियम से बाहर। तो एक्स्ट्रा क्रेनियम में हम सिर्फ एक करेंगे जो होगा स्कैल्प हीमाटोमा, और इंट्राक्रेनियम में हम डिफरेंट करेंगे जैसे जो है वो यहाँ पे होता है एपीड्यूरल, फिर सब ड्यूरल, देन सब एरेक्नॉइड, और ये जो टिश्यू है ब्रेन का जिसको हम पैरेन्काइमा कहते हैं, अगर इसके अंदर हीमाटोमा फॉर्म हुए कलेक्शन ऑफ ब्लड तो हम इसको इंट्रा पैरेन्काइमल कहेंगे, और इंट्रा पैरेन्काइमल को हम इंट्रा सेरिब्रल भी कहते हैं क्योंकि जो ब्रेन होता है इसको हम सेरिब्रम होते हैं तो इंट्रा सेरिब्रम भी कहेंगे। इंट्रा सेरिब्रम और इंट्रा क्रेनियम ये दोनों डिफरेंट चीज़ें। इंट्रा क्रेनियम क्या होगा, सारे हीमाटोमा जो कि क्रेनियम के अंदर होंगे, और इंट्रा सेरिब्रल वो होगा स्पेसिफिक जो कि ब्रेन के पैरेन्काइमा के अंदर होगा। सो यहाँ पे अगर हम जैसे कि हम लेते हैं स्कल का हम एक्सरे लेते हैं तो बहुत सारी स्कल की बोन्स होती हैं जिसकी वजह से हमें एक्सरे क्लियर नहीं आता, तो जब भी हम हेड के ट्रॉमा की बात करें तो हमें जो है वो सीटी स्कैन्स को देखना पड़ता है और उससे फिर जो है वो हमें अपनी डायग्नोसिंग बनानी पड़ती है। तो सीटी स्कैन के अंदर जब हम देख रहे होंगे तो दो लफ्ज़ का हम इस्तेमाल करेंगे ज़्यादा, हाइपर डेंस या हाई एटीन्यूएशन वाली चीज़ें जो कि हमें वाइट नज़र आ रही होंगी, एंड हाइपोडेंस या लो एटीन्यूएशन जो कि हमें जो है वो डार्क ब्लैक नज़र आ रही होंगी सीटी स्कैन के ऊपर। तो सबसे पहले ये वाला हीमाटोमा है स्कैल्प हीमाटोमा। स्कैल्प हीमाटोमा क्या था, जो कि स्कल एंड स्किन के दरमियान होगा, तो ये हमारी वाइट स्कल है एंड ये बाहर स्किन है, तो स्कल एंड स्किन के दरमियान में जो होगा वो होगा स्कैल्प हीमाटोमा। ये भी इसकी जो है वो एग्जांपल है। स्कैल्प हीमाटोमा को हम सब डर्मल हीमाटोमा भी कहते हैं कि ये डर्मल यानी स्किन के नीचे होता है। तो ये हमारे पास स्कल है और ये बाहर स्किन, स्कल और स्किन के दरमियान में स्कैल्प हीमाटोमा। यहाँ भी यही चीज़ है कि यहाँ पे पुलिंग ऑफ ब्लड हो गई है, हीमाटोमा फॉर्म हो गया है, इस तरह इसकी अपेयरेंस होती है, ये बाहर से हमें नज़र भी आता है। सेकंड इज एपीड्यूरल हीमाटोमा जिसको हम EDH भी कहते हैं। एपीड्यूरल हीमाटोमा की पहले हम लोकेशन देख लेते हैं कि ये जो हमारी स्कल की लेयर होती है सबसे बाहर वाली ड्यूरा मैटर, ड्यूरा एंड स्कल की जो दरमियान वाली लेयर होती है उसके दरमियान में जो वो एपीड्यूरल हीमाटोमा फॉर्म होता है, यानी ड्यूरल से ऊपर, ड्यूरल लेयर से ऊपर और स्कल के नीचे। इसकी जो शेप होती है वो बाई कन्वेक्स होती है, यानी यहाँ से ये स्कल के साथ भी कन्वेक्स शेप में है और ये जो टिश्यू है ब्रेन का उसके साथ भी जो है ये कन्वेक्स की शेप में है, तो ये इसकी बाई कन्वेक्स शेप होती है, लेंटिक्यूलेट शेप होती है, और ये हमें इस तरह वाइट कलर का जो है वो दिख रहा होता है। इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, जैसे एक्यूट का मतलब है कि अभी हुआ है 3 दिन तक, हम इसको एक्यूट कहते हैं, तो एक्यूट वाला जो होता है वो इस तरह वाइट सा हमें नज़र आ रहा होता है, और ये इसकी बाई कन्वेक्स शेप है, यानी कि इस तरह इधर से भी कन्वेक्स है स्कल के साथ और टिश्यू के साथ भी जो है वो ये कन्वेक्स है, ये है एक्यूट। नेक्स्ट हमारे पास है सब ड्यूरल हीमाटोमा। हमने किया था पहले एपीड्यूरल, अब हम कर रहे हैं सब ड्यूरल। सब ड्यूरल कहाँ होगा, सब ड्यूरल होते हैं ड्यूरा मैटर से नीचे बट एरेक्नॉइड मैटर के ऊपर, यानी एरेक्नॉइड और ड्यूरा के बीच में जो है वो सब ड्यूरल हेमोरेज कह लें या हीमाटोमा। तो हेमोरेज का मतलब है कि अभी ब्लड एक्टिव ब्लीडिंग हो रही है, और हीमाटोमा होता है कि वो रुक गई है ब्लीडिंग और पूलिंग हो गई है ब्लड की, फ्रेश ब्लड की। सो यहाँ पे अगर हम इसकी शेप देखें तो ये शेप जो होती है इसकी ये मून लाइक होती है, लाइक स्कल के साथ ये कन्वेक्स शेप बना रहे बट ये जो टिश्यू है सॉफ्ट टिश्यू उसके साथ ये इस तरह कंकेविटी में शेप बना रहा है, तो ये इस तरह मून लाइक इसकी अपेयरेंस होती है सब ड्यूरल हेमरेज या हीमाटोमा की। इसके भी डिफरेंट टाइप्स होती है सब ड्यूरल हेमरेज की, जैसे एक टाइप होती है अक्यूट। अक्यूट हम इसको तब कहेंगे जब जो है एक्यूट सब ड्यूरल हीमाटोमा हम इसको कहेंगे अगर वो लेस देन 3 डेज का है, और ये हमें कैसे दिखेगा, वाइट कलर का दिखेगा। फिर होता है एक्यूट के बाद सब एक्यूट। सब एक्यूट होते हैं 3 to 7 days या 2 to 3 weeks तक। पहला था एक्यूट जो हमें वाइट नज़र आएगा, फिर है सब एक्यूट ये हमें ग्रे सा नज़र आएगा।
आइसोडेंसा, और जो थर्ड टाइप होती है जिसमें ब्लड ओल्डर हो जाता है यानी कि क्रॉनिक जो सबड्यूरल होती है उसको हम कहते हैं हाइपोडेंस, जो कि हमें ब्लैक सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड की तरह का नज़र आएगा। ये इसकी जो है वो टाइप्स की एग्जांपल्स है। पहला वाला जो है ए के अंदर वो बता रहे हैं कि ये हाइपरडेंस एक्यूट जो है वो हीमाटोमा है, सब एरेक्नोइड, सब ड्यूरल ये हमारे पास सब ड्यूरल जो है वो हीमाटोमा है हाइपरडेंस, और इसकी शेप क्या है, मून लाइक। यहाँ से तो कन्वेक्स है बट यहाँ से ये कनकेव है, तो ये मून लाइक इसकी शेप होती है और ये सब ड्यूरल यानी ड्यूरा और एरेक्नोइड के दरमियान है। पर ये कौन से स्टेज में, ये एक्यूट के अंदर है क्योंकि एक्यूट इस तरह हमें डेंस सा नज़र आ रहा होता है, हाइपर डेंस सा। ये बी में हमारे पास जो है वो एक्यूट के बाद सब एक्यूट स्टेज आई है जिसमें हमें आइसोडेंस जो है वो नज़र आएगा, यानी इस तरह ब्लैकिश सा नज़र आएगा। और ये जो सी में है इसमें क्या है, ये हाइपोडेंस नज़र आ रहा है और ये क्रॉनिक स्टेज है कि इसके अंदर ये ऐसे लगेगा जैसे जो है वो टिश्यू है हमारे ब्रेन का। और ये डी में जो है वो यहाँ पे मिक्स है, एक्यूट एंड क्रोनिक का मिक्सचर दिखा रहे हैं। तो ये चारों टाइप्स हैं हमारे पास सब ड्यूरल हीमाटोमा की। ये इस तरह मून शेप होता है कि यहाँ स्कल के साथ ये कनकेव होता है बट ये सॉफ्ट टिश्यू के साथ कनकेव होता है बट जो स्कल की मेम्ब्रेन है उसके साथ जो है ये कन्वेक्सिटी में होता है। अब ये डिफरेंस है सब ड्यूरल एंड एपिड्यूरल का। जो सब ड्यूरल होते हैं वो इस तरह लेंटिक्यूलेट बाय कन्वेक्स शेप होते हैं, ये है एपिड्यूरल। और जो सब ड्यूरल होते हैं वो इस तरह मून लाइक होते हैं कि वो इस तरह मून बना रहा होता है, कनकेव होता है वो सॉफ्ट टिश्यू के साथ और स्केल के साथ वो कन्वेक्स होता है। दिस इज सब एरेक्नोइड। अब सब एरेक्नोइड कहाँ होगा, ये एरेक्नोइड और पायामेटर के दरमियान वाली जो स्पेस है उसके अंदर हमारे पास सब एरेक्नोइड होता है। ये इस तरह, इसको SAH भी कहते हैं, और ये इस तरह जो है वो पैची सा अपेयरेंस देता है। अब यहाँ पे वो एरो से दिखा रहे हैं कि डिफरेंट जगह पे जो है वो सब एरेक्नोइड हीमाटोमा हुआ है वाइट कलर का। नेक्स्ट इज डिफ्यूज एक्सोनल इंजरी। डिफ्यूज एक्सोनल इंजरी में क्या होगा कि ब्लड की पूलिंग हो जाएगी और इस तरह से जो है वो वाइट एंड ब्लैक अपेयरेंस आएगी। ये इसके और एग्जांपल्स हैं जो डिफ्यूज एक्सोनल इंजरी होती है। ये सारी जो हीमाटोमा और इंजरीज होती हैं एक्सीडेंट, मोस्ट कॉमनली एक्सीडेंट की वजह से होती है, जब ब्रेन के अंदर जो है वो हाई इंटेंसिटी की जो है वो होती है तब ये रिजल्ट्स होते हैं। तो इसमें क्या होगा कि डिफ्यूज एक्सोनल इंजरी होगी, यहाँ एरोस से वो शो कर रहे हैं कि यहाँ पे स्पॉट्स बन रहे हैं वाइट कलर के छोटे छोटे, तो तब हम इसको कहेंगे डिफ्यूज एक्सोनल इंजरी। ये डिफ्यूज एक्सोनल इंजरी है बेसल गैंग्लिया का, यहाँ पे बेसल गैंग्लिया होता है तो ये बेसल गैंग्लिया के अंदर है और यहाँ इंटरनल कैप्सूल जा रहे होते हैं दोनों साइड पे, तो ये इंटरनल कैप्सूल का ये ब्लैक वाला इंटरनल कैप्सूल के अंदर है DIA, और ये वाइट वाला जो है वो बेसल गैंग्लिया के अंदर है DIA डिफ्यूज एक्सोनल इंजरी। नेक्स्ट इज सेरिब्रल कॉन्ट्यूजन। अब कॉन्ट्यूजन और जो हीमाटोमा होता है उसमें ये फ़र्क होता है कि जो हीमाटोमा होता है वो अभी फ्रेश ब्लड की पूलिंग हुई होती है, जबकि जो कॉन्ट्यूजन होते हैं वो ओल्ड ब्लड हो जाता है, थोड़ा पुराना हो जाता है ब्लड। तो अब कॉन्ट्यूजन के अंदर हम नॉर्मली कहते हैं कूप एंड काउंटर कूप जो है वो इसकी रिजल्ट की वजह से होती है इंजरी। कूप क्या होगा कि जब डायरेक्ट इम्पैक्ट आया है सेरिब्रम के ऊपर तो वहाँ पर कूप इंजरी होगी, और ये जो हमारा पैरेन्काइमा है सॉफ्ट टिश्यू है ब्रेन का या सेरिब्रम है उसके ऊपर इंजरी होगी। और जब काउंटर कूप ये ऑपोजिट मूव करेगा तो ऑपोजिट डायरेक्शन में जो इंजरी होगी उसको हम काउंटर कूप कहेंगे। अब जो हमारे पास सेरिब्रल कॉन्ट्यूजन्स हैं वो हमें इस तरह से नज़र आते हैं, इसके जो बॉर्डर्स होते हैं वो क्लियर नहीं होते। जो DIA होते हैं वो बहुत छोटा होता है, ये थोड़ा सा सेरिब्रल कॉन्ट्यूजन्स इससे DIA से बड़े होते हैं लेकिन इसके बॉर्डर्स क्लियर नहीं होते। अब नेक्स्ट है इंट्रा सेरिब्रल हीमाटोमा। इंट्रा सेरिब्रल हीमाटोमा क्या होता है, यानी जो सेरिब्रम है जो सॉफ्ट टिश्यू होगा हमारा ब्रेन का उसके अंदर जो है वो हीमाटोमा यानी पूलिंग होगी ब्लड की। पहले हमने जो तीन हीमाटोमा किए वो लेयर्स ऑफ ब्रेन के दरमियान थे कि एपिड्यूरल, सब ड्यूरल, सब एरेक्नोइड, लेकिन अब ये वाला पैरेन्काइमा के अंदर होगा, पैरेन्काइमा के अंदर मौजूद होगा ये इंट्रा सेरिब्रल हीमाटोमा, और इसके बॉर्डर्स बहुत ज़्यादा जो है वो प्रोमिनेंट होंगे। जो हमने अभी पीछे किया कॉन्ट्यूशंस वो उसके बॉर्डर्स इतने क्लियर नहीं होते, लेकिन जो इंट्रा सेरिब्रल होते हैं उसके बॉर्डर्स जो है वो बहुत क्लियर होते हैं।
इंट्रापेरेन्काइमल, इंट्रासेरिब्रल को हम इंट्रापेरेन्काइमल भी कहते हैं, क्योंकि पेरेन्काइमा जो हम उसको क्या नाम है, ब्रेन के सॉफ्ट टिश्यू को पेरेन्काइमा कहते हैं, तो विद इन पेरेन्काइमा इसको इंट्रापेरेन्काइमल भी कहते हैं। ये हमें नज़र आ रहे हैं यहाँ पे इंट्रापेरेन्काइमल हिमाटोमा, ये बेसल गैंग्लिया के अंदर है एंड ये डेंटल न्यूक्लियस के अंदर है। इंट्रापेरेन्काइमा को हम इंट्रासेरिब्रल भी कहते हैं, ये सेरिब्रम के अंदर। नेक्स्ट इज इंट्रावेंट्रिकुलर। इंट्रावेंट्रिकुलर क्या होगा कि जो हमारी ब्रेन के वेंट्रिकल्स हैं उसके अंदर जो है वो हिमाटोमा फॉर्म हो जाएगा। तो ये जो ब्रेन के वेंट्रिकल्स हैं इसके अंदर हमें वाइटनिंग अपेयरेंस आएगी। दिस इज बेसल गैंग्लियल गैंग्लिया का हीवा हेमरेज, कि यहाँ पे हमारे पास बेसल गैंग्लिया होते हैं तो उसके अंदर अगर हुआ है हेमरेज तो हम उसको बेसल गैंग्लिया का हेमरेज कहेंगे। दिस इज़ एक्टिव हेमोरेज, यानी कि अगर जैसे एपिस्टेक्सिस की वजह से, जिसे हम उर्दू में नक्सी फूटना कहते हैं, उसकी वजह से अगर एक्टिव ब्लीडिंग हो रही है तो हमें इस तरीके से नज़र आएगी नेजल से, एंड दिस इज़ नेजोफेरनिक्स से ब्लीडिंग हो रही है।